जिस तरीके से हम लोग पूरा भारत उत्तर प्रदेश की घटना को देख रहा है, हाथरस की घटना को, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, दो लड़के, यूं कहूं दो उठाई गिरे या कहूं दो गंदी नाली के कीड़े, जो ये ठाकुर का वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों रे हराम जादे, ठाकुर को क्यों बदनाम करता है तू, किसी गंदी नाली का नस्ल का एक कीड़ा है। और जिस भाषा का तू प्रयोग कल कर रहा था, अपने आप को ठाकुर कह रहा था, राजपूत समाज का तू कह रहा था, तो क्या राजपूत समाज के लोग अत्याचार करते हैं? कम से कम इतिहास पढ़ ले, इतिहास पढ़ ले गंदी नाली के कीड़े। रामचंद्र जी का इतिहास पता है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है, क्यों अपने ही समाज के, यदि तू ठाकुर है, वैसे लगता नहीं तू किसी ठाकुर की गंदी ना, मतलब नाजायज औलाद है। ऐसे भी होते हैं जो किसी के नाजायज औलाद होते हैं तो वो ऐसे ही लुच्चे लफंगे होते हैं, जिस तरह की तेरी कल भाषा निकल रही थी, आ रहा था तू अपने आप को ठाकुर कह के, और जो तू भौंक रहा था, तेरे पिताजी तेरे पीछे खड़े थे, यानी प्रशासन तेरा बाप है, उसकी आड़ में जो तू भौंक रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, तू लगता नहीं कि किसी भी तरीके से किसी मनुष्य की औलाद है। यदि तू मनुष्य की औलाद होता तो तुझे सहानुभूति होती जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है और उसको रातों रात जला दिया गया है, तो तू उस परिवार के साथ खड़ा होता हरामजादे की औलाद? तू किसी हरामी की औलाद है, तू किसी गंदी नाली का नस्ल है। जो भी व्यक्ति आज इस परिवार के साथ नहीं खड़ा है, वो कहीं ना कहीं किसी गंदी नाली का गटर का कीड़ा है। क्योंकि जिस बेदर्दी के साथ एक लड़की की रेप हो जाती है, हत्या हो जाती है, और उसके बाद कुछ हरामजादे अपने आप को ठाकुर कहलाते हैं, अबे हरामियों की औलादो, तुम कहां के ठाकुर हो रे, किस राजे के औलाद हो रे? तुम योगी आदित्यनाथ पे कूदते हो, जो खुद एक चूहा है, आज सत्ता का पावर मिल गया है तो वो अपने आप को राजा कहला रहा है। अबे दरभंगा में आया था तो ये चूहा जो है अपनी सुरक्षा के लिए क्या लगवाया था, पता है तुझे कितना बड़ा चूहा है ये? वही योगी आदित्यनाथ है जो उत्तर प्रदेश के, मतलब ये 2007 में सांसद में रो रहा था, इस चूहे पे कूद रहा है रे, इस चूहे पे कूद रहा है तू। कितने दिन, एक हमारे देहात में कहावत है, गया माघ 29 दिन बाकी, तो तेरे बाप का 29 दिन बाकी रह गया है सत्ता का, दोबारा सपना में सत्ता नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर ये गुंडा राज योगी आदित्यनाथ कायम करना चाहता है तो गुंडा राज कोई ज्यादा दिन तक चला नहीं पाए, तुझे पता है गुंडों की लाइफ कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल किसी भी क्रिमिनल किसी भी गुंडे की लाइफ होती है, इससे अधिक किसी गुंडे की लाइफ नहीं हुई है। या तो वो मारा जाता है या जेल में सरता है या प्रशासन की गोली का शिकार होता है गुंडे सब, पता है तुझे? इतिहास पढ़, इतिहास पढ़। क्यों राजपूत समाज को बदनाम कर रहा है रे हरामजादे? उस शरण देता है, राजपूत समाज शरण देता है, रक्षा करता है, तेरी तरह भेड़िए की तरह इज्जत नहीं लूटता है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाते हैं? सबकी रक्षा की उन्होंने, इज्जतें नहीं लूटी, गरीब मजदूरों की, बेबस की इज्जत नहीं लूटी, इस तरह से हत्या नहीं की, तब आज दुनिया मानती है राम को। और तू हरामजादे, ठाकुर के नाम पे कलंक है और तू अपने आप को ठाकुर बोल रहा है।
और ये अर्णम स्वामी पूछता है भारत, क्यों रे भड़ुए, अब नहीं पूछ रहा भारत किस बेटी के साथ इतना बड़ा जुर्म क्यों हुआ, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भाषा में बोल रहा हूं 100% गलत है। मैं आज राजनीतिक की दृष्टिकोण से नहीं आया फेसबुक पे, मुझे हमदर्दी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, कोई भी बाप कोई भी समाज यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यदि किसी अच्छी खून का तू औलाद होता ना तो इस तरीके से कल तू भाषा प्रयोग नहीं करता। राजनीतिक हो रही है देश में, अबे हरामजादे रेप करके तुम हत्या कर रहे हो और उसके लिए कोई आवाज भी ना बुलंद करे, तुम्हें राजनीतिक नजर आ रही है, गंदी नाली के कीड़ों, भाजपाइयों को राजनीतिक नजर आ रही है आज, कहां से संस्कार पाए हो रे, कहां से संस्कार ऐसे गंदी नाली के कीड़े से लाए हो, मूछे बढ़ाने से टीका लगाने से कोई साला वो बन जाता है, तुम साले हिंदू समाज के नाम पे सनातनी धर्म के नाम पे कलंक हो, तुम कलंक हो, हिंदू समाज को बदनाम करते हो, सनातन धर्म को बदनाम करते हो, भारत का नाम दुनिया में गिराने का काम करते हो हराम जादो, इस देश की शान को धब्बा लगा रहे हो, क्या लगता है ये सोशल मीडिया पे तुम वीडियो डालते हो तो दुनिया नहीं देखती है, थूकती नहीं है इस देश पे तुम्हारे जैसे साले हराम जादो की वजह से, तुम्हारे जैसे हरामियों को बीच चौराहे पे खड़ा करके नीचे से गोली मारनी चाहिए, नीचे से, ठाकुर हैं हम और ठाकुरों ने जब जब देश में अत्याचार किया है ना, तो परशुराम जैसे भी पैदा हुए हैं देश में, इतिहास पता है और कितनी बारी ठाकुरों का सर्वनाश किया है, इतिहास पता है ना, जब जब जुल्म अत्याचार देश किसी भी मुल्क में बढ़ता है, किसी भी राज्य में बढ़ता है, किसी भी समाज में बढ़ता है, तो ऊपर वाला किसी ना किसी को भेजता है तुम्हारे जैसे हरामियों को ठीक करने के लिए। अब तो लाखों के हिसाब से है तुम्हारे जैसे हरामियों को ठीक करने के लिए भारत में, पहले एकाद पैदा होते थे अब लाखों हैं, इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना। मैंने कल वो वीडियो देखा, मैं तो ये हैरान हूं कि वो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, इतनी बड़ी खुल के चैलेंज दे रहा है यूपी के अंदर प्रशासन के आंख के सामने, तो प्रशासन क्या चूड़ियां पहन के वहां पे बैठा हुआ है, उत्तर प्रदेश का चूड़ियां पहन ली है प्रशासन ने, क्या यूपी में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, इसका अर्थ तो यही होता है, कोई पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है तो प्रशासन उसे रोक रही है, लेकिन ये 2% का उठाई गिरा गुंडा खुल के चैलेंज कर रहा है तो पुलिस प्रशासन उसकी प्रोटेक्शन दे रही है, ये है कानून का राज भाजपा राज में, ये बनाएंगे राम राज, ये गुंडा राज बनाएंगे यूपी में गुंडा राज, अगर यूपी में गुंडा राज ना है तो अभी क्या है। हमें तो शर्म आती है कि भारत का राष्ट्रपति एक दलित समाज से है, राष्ट्रपति महोदय आप क्या कर रहे हैं, क्या आप नहीं देख रहे हैं, मतलब आपको सत्ता मिल गई, आपको राष्ट्रपति का पद मिल गया तो मतलब अपने समाज के विषय में भी भूल गए कि आप कहां से आए हैं और क्या हो रहा है आपके समाज के साथ, बहुत ज्यादा हैरानगी की बात है कि दलित समाज का राष्ट्रपति और उसके बाद दलित समाज की बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार और इतना बड़ा गुंडा राज की स्थापना हो गई उत्तर प्रदेश में, और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और वो प्रधानमंत्री, बहनों और भाइयों कोई मुझे मार लो लेकिन मेरे दलित भाइयों को मत मारना, भाषण ही है कि कुछ है भी जमीनी हकीकत श्रीमान नरेंद्र मोदी जी।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।